राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1 मापी गई है। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की गहराई दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर 18 किलोमीटर की दर्ज की गई है। वहीं किसी के जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। वहीं आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एक बार फिर आज भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 मापी गई है। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटके दिल्ली NCR इलाके में महसूस किए जा रहे हैं। आज करीब 1 बजे के आसपास दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। लोग कई स्थानों पर बिल्डिंग से बाहर निकलते नजर आए। लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी ऋषभ, क्या कुछ अपडेट है? लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, राजधानी में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल को हुई थी और आज फिर एक बार दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर करीब जमीन से 18 किलोमीटर नीचे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी जो तीव्रता थी वो 2.1 ही थी, जो कि कम रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार ये 13 झटके आए हैं, इसके चलते दिल्ली में जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो इनको हल्के में नहीं लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के लगातार भूकंप एक बड़े भूकंप की आशंका भी जताते हैं। जी आशीष जी, जो आशंका जताई जा रही है, कब तक इसकी आशंका जताई जा रही है, कब तक बड़े झटके की संभावना है? देखिए आशीष, बिल्कुल, इस आधुनिक युग में भूकंप एक ऐसी चीज है जिसकी आशंका ये नहीं बताई जा सकती कि ये कब आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, इसके चलते जो एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि छोटे छोटे जो भूकंप के झटके हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े भूकंप के झटके की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो भूकंप आ रहा है, चाहे वो नोएडा में आया हुआ हो या फिर जो दिल्ली में लगातार भूकंप आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR का इलाका है, क्योंकि जो दिल्ली NCR का इलाका है वो Zone 4 में आता है। 2 से 7 तक के जो जोन बांटे गए हैं, 5 जोन में दिल्ली NCR Zone 4 में है, जो कि सबसे गंभीर माना जाता है। और दिल्ली के कहीं ना कहीं जो दिल्ली है वो लगातार जिस तरह से भूकंप के झटकों से हिल रहा है, उससे लोगों में एक पैनिक क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। जी आशीष जी, ऋषभ, अंतिम सवाल आपसे कि ये भूकंप के झटके केवल दिल्ली NCR के लिए अलर्ट जारी किया गया है या फिर देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल आशीष, दिल्ली NCR को Zone 4 के चलते उसको जो गंभीर स्थिति में लिया जा रहा है, क्योंकि जो अगर NCS की मानी जाए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की मानी जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली NCR और कानपुर तक और इधर राजस्थान में झुंझुनू तक का जो इलाका है ये Zone 4 में आता है, जो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उसमें चाहे राजस्थान रहा हो या हिमाचल प्रदेश का हिस्सा रहा हो या उत्तराखंड रहा हो, ये सभी इलाके भूकंप के झटकों से लगातार जो पिछले 1.5 महीने से लगातार यहाँ भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं, जिसके कहीं ना कहीं जी जो एक खतरे की घंटी है वो दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से एक्सपर्ट्स ने अलर्ट जारी किया है, फिर से छोटे छोटे भूकंप के झटकों के बाद बड़ा झटका आ सकता है।